जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टेक्नोबाजी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर हमें अपना एड्रेस जो है वो अपडेट करवाना है तो हम कैसे ये फॉर्म फिलअप करके अपना एड्रेस जो है वो अपडेट करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे आप ब्रांच में जाओगे तो कुछ इस प्रकार का फॉर्म जो है वो आपको दिया जाएगा, जो कि बेसिकली एक एप्लीकेशन फॉर्म है। पहले इस फॉर्म का नाम जो है वो कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म हुआ करता था, अब इसका नाम जो है वो चेंज करके एप्लीकेशन फॉर्म कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये फॉर्म हम फिलअप करके अपना एड्रेस जो है वो चेंज करवा सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे अकाउंट नंबर में हमारा पूरा अकाउंट नंबर जो है वो यहाँ पे दर्ज कर देना है। इसके बाद डेट में हमें यहाँ पे आज की डेट जो है वो डाल देनी है, जो कि DDMMYYYY फॉर्मेट में होगी, जहाँ पे पहले आपको दिन लिखना होगा, फिर मंथ और फिर ईयर लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना ब्रांच का नाम जो है वो दर्ज कर देना है। अब यहाँ पे लिखा है काइंडली एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, टिक द रिक्वेस्ट सर्विस ओनली। ये जो फॉर्म है ये मल्टीपल रिक्वेस्ट के लिए फॉर्म यूज होता है, तो इसके ये फॉर्म से आप मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है आपको जो सर्विस चाहिए आपको सिंपली उस पर टिक कर देना है। तो मुझे अभी अपना एड्रेस जो है वो चेंज करवाना है, तो यहाँ पे 13 नंबर का ऑप्शन दिया गया है, चेंज ऑफ नेम और एड्रेस। तो सिंपली हम पहला यहाँ पे टिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा है प्लीज चेंज माय और अवर नेम और एड्रेस, तो हम यहाँ पे सिंपली टिक करके, अब यहाँ पे हमें नीचे दो कॉलम दिए गए हैं, एक ओल्ड एड्रेस एक न्यू एड्रेस। तो यहाँ पे हमारा जो पुराना एड्रेस है वो हमें यहाँ पे दर्ज कर देना है, जहाँ पे पहले हमें हमारा नाम जो है वो पूरा नाम यहाँ पे दर्ज कर देना है। इसके बाद नीचे एड्रेस में हमें हमारा पुराना एड्रेस जो है वो दर्ज कर देना है। इसके बाद न्यू में हमें फिर से हमारा यहाँ पे जो है वो नाम दर्ज कर देना है, और नीचे एड्रेस में आपको जो एड्रेस अपडेट कराना है वो एड्रेस आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको अपनी साइन कर देनी है, और यहाँ पे आपको अपना फुल नेम एज पर योर पासबुक यहाँ पे आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद KYC डॉक्यूमेंट में आपको कोई भी इन सब में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है वो वहाँ पे सबमिट करना होगा एस एन एड्रेस प्रूफ, जिसके अंदर आप पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो सबमिट कर सकते हो। इसके बाद ये जो फॉर्म है ये आपको ब्रांच में जाके सबमिट कर देना है, और आपका एड्रेस जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सभी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।